Dear children, we know that if we have a house, then we can live the life somewhat easily. यदि हमारे पास घर होता है तो हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसानी से जी पाते हैं. इसी प्रकार से जो पक्षी होते हैं उन्हें भी घर की ज़रूरत होती है. और आप जानते हैं कि पक्षी के घर को हम क्या कहते हैं? घोंसला. यस, दैट इज़ द नेस्ट. तो यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 16 बिजी मंथ है उसके अंदर हम बर्ड्स के द्वारा बनाए गए जो घोंसले हैं उसके बारे में पढ़ते हैं और बर्ड्स के बारे में कुछ और भी नई चीज़ें जानते हैं. ये बिजी मंथ इसलिए है कि कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं साल के जहाँ पर जो पक्षी होते हैं वो अपने घोंसलों को बनाने में बहुत ही बिजी होते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा इस चैप्टर को रीड करेंगे. और हम इसे कहते हैं रीडिंग फॉर अ पर्पस. एंड द पर्पस इज़ दैट यू मे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली. देखिए यहाँ पर, इट इज़ 3 o'clock इन द आफ्टरनून. देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई. कोई क्लाउड नहीं है स्काई में. एंड द सन इज़ बर्निंग हॉट. सन से जो रोशनी आ रही है बहुत ही हॉट फील हो रही है. द स्पैरोज, डव्स एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट. अब बात हो रही है गर्मियों की, तो इट मीन्स जो गर्मियों के जो मंथ्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, वहाँ पर जितने भी बर्ड्स हैं वो सभी अपने काम में बिजी हैं. सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट. कुछ तो पहले से घर बना चुके हैं, अपना घोंसला बना चुके हैं. इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड. कुछ नेस्ट में तो अंडे भी हैच हो गए हैं, मीन्स उनसे चिक्स आ गए हैं बाहर. द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स. और जो पेरेंट बर्ड है वो अपने बच्चों को, मीन्स अपने चिक्स को क्या खिला रहे हैं? इंसेक्ट्स हैं या फिर कोई और जो खाना होता है उसे खिला रहे हैं. इन आर कोर्टयार्ड, कहते हैं कि हमारे कोर्टयार्ड में. अब ये हमारा कोर्टयार्ड किसका है जो यहाँ से इस स्टोरी को लिख रहे हैं, उनके बात हो रही है. देर इज़ ए बेबी डव. वहाँ पर क्या है? एक छोटा डव है. देर इज़ अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैच्ड येट. एक और अंडा है नेस्ट के अंदर परंतु वह अभी फूटा नहीं है, मीन्स उससे अभी चिक नहीं आया है बाहर. बच्चों यहाँ से आपको पता चल रहा है कि देखो नेस्ट की क्या नीड हो रही है. नेस्ट इज़ यूज्ड टू ले द एग्स. ठीक है, एग्स ले करने के लिए. देन फीडिंग द चिक्स, केयरिंग द चिक्स. ठीक है, तो मेनली टू ले द एग्स द बर्ड्स नीड द नेस्ट एंड ऑल्सो टू रेस्ट और यू कैन से फॉर द सेफ्टी ऑफ द बर्ड्स दे नीड द नेस्ट. अब देखिए हम देखेंगे कि अलग अलग बर्ड्स अपने अपने नेस्ट कैसे बनाते हैं और कहाँ बनाते हैं. ऑन द वे टू गोपाल भाईज हाउस देर आर मैनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड. इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स एन इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग्स. किसने एग्स दे रखे हैं स्टोन्स के बीच में? इंडियन रॉबिन. इट मीन्स इंडियन रॉबिन अपना घर या नेस्ट कहाँ बनाते हैं? स्टोन्स के बीच में. बच्चू भाई शोर इट टू मी. I looked through the binocular. I saw that the nest was made of grass. On the top there was soft twigs, roots, wool, hair and cotton wool. तो अब किन से बनाया उन्होंने नेस्ट? सॉफ्ट ट्विग्स, छोटे छोटे तिनकों से, रूट से, वूल और हेयर से एंड कॉटन वूल से बनाया है. दिस इज़ हाउ द रोबिन मेक्स इट्स नेस्ट. तो यहाँ से आपको पढ़ना है, बताना है कि रोबिन अपना घर या नेस्ट किन चीज़ों से बनाता है. ठीक है, और कहाँ बनाता है, ये दोनों चीज़ें पता चलती हैं. वट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स. द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो. अ क्रोज नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स इवन पीसीज ऑफ वायर्स एंड वुड्स. तो अब कहते हैं कि क्रो जो है उसका नेस्ट में, उसके नेस्ट में वायर और वुड भी होती है और बाकी ये सभी चीज़ें भी उसमें हो सकती हैं. आई सॉ अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट. इट वॉज sitting with its beak wide open. The mouth was red from inside. In a little while the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak.
maybe a few small insects. By then it was evening. The robin settled down with its chick. ठीक है, तो ये आपको यूज़ बताया है नेस्ट का, कि इवनिंग होते ही जो बर्ड्स होते हैं वो अपने नेस्ट की तरफ चले जाते हैं और वो वहाँ पर अपने चिक्स की केयर करते हैं. यू नो दैट कोयल सिंग्स स्वीटली. डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट. इट लेज इट्स एग इन द क्रोज नेस्ट. द क्रो हैचेस देम अलोंग विद इट्स ओन एग्स. ठीक है, कोयल अपने अंडे हमेशा क्रो के नेस्ट में देती है और क्रो ही उसकी केयर करता है और हैच करता है उसे. ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाता है कि नेम ए बर्ड विच डज नॉट गिव द एग्स इन इट्स ओन नेस्ट, ठीक है, सो द नेम विल बी कोयल. देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाय. इट हैज़ ए नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच. अब आप देखते हैं कि जो नेस्ट होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं. कुछ तो ब्रांचेस के ऊपर रखे हुए बनाते हैं पक्षी और कुछ हैंगिंग पोजीशन में होते हैं. बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट. अब बताते हैं बर्ड्स बहुत ही अलग अलग तरह के हैं. द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन ए ट्री. क्रो अपना घोंसला बहुत ऊंचाई पे बनाता है. डव कैक्टस प्लांट है या फिर मेहंदी प्लांट है उसके थॉर्न्स के बीच में बनाते हैं. द स्पैरो कैन बी फाउंड इन द इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस. चिड़िया हमारे घरों में ही अपने घोंसले बना देती है. इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर ऑन द कपबोर्ड बिहाइंड ए मिरर ऑन ए लेज. ठीक है, तो किसी भी कपबोर्ड वगैरह के ऊपर कोई भी जगह उन्हें मिलती है तो वहाँ पर वो अपने घोंसले बना देते हैं. पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस. ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड और डिजर्टेड बिल्डिंग्स. पुरानी और जो सूखी मीन्स जहाँ पे कोई नहीं रहता है वहाँ पे ऐसे बिल्डिंग्स में वो अपने घर बनाते हैं. चिड़िया है या फिर कबूतर होते हैं. द बर्बिट और कॉपर स्मिथ बर्ड्स कैन बी हर्ड इन द समर विद इट्स टुक 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 कॉल. अब मेनली देखो फिर से आपको समर सीजन में जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सभी अपना घर बना लेते हैं क्योंकि तब गर्मी इतनी होती है कि जो बर्ड्स हैं वो बाहर नहीं रह पाते हैं तो उन्हें नेस्ट की नीड है. तो इसीलिए ये जो मंथ होते हैं जून जुलाई तो वो सभी बिजी मंथ होते हैं बर्ड्स के लिए. एंड द टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन ए बुश. इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीफ दैट इट हैज़ मेड. दिस इज इट्स नेस्ट. टेलर बर्ड तो पत्तों से ही अपना घर बना लेते हैं, उन्हीं को ही अपनी चोंच से स्टिच कर लेते हैं धागों से और अपनी चोंच की हेल्प से लीव्स को इस तरह से टाई अप कर देते हैं कि जैसे स्टिचिंग हो जाती है. ठीक है, द सन बर्ड मेक्स ए नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और ए बुश. द सेम इवनिंग वी सॉ अ सन बर्ड्स नेस्ट. कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ. सनबर्ड का घर किससे बना है. द नेस्ट हैज़ हेयर्स ग्रास थिन ट्विग्स ड्राई लीव्स कॉटन वूल बिट्स ऑफ ट्री बार्क पीसीज ऑफ क्लोथ रैग्स एंड इवन स्पाइडर्स कॉबवेब. तो इन चीज़ों से क्या बनाए गए हैं घर, घोंसले बनाए गए हैं. सनबर्ड का घोंसला बना है ये सभी हेयर्स थिन ट्विग्स ड्राई लीव्स वगैरह से. तो आपको यहाँ पे जितने भी हमने बर्ड्स बोले हैं उनके घर किन किन चीज़ों से बनते हैं, घोंसले में वो क्या क्या लगाते हैं, कहाँ उनका घोंसला बनता है, ये चीज़ें आज यहाँ से बुक से रीड करनी है. ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.